हाय एवरीवन, आज हम फ्लोरल जाल बनाना सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर को कटिंग कर लेते हैं। पेपर को हम दो फोल्ड में काट लेंगे। एक फोल्ड हमारा मास्टर कॉपी बनाने के काम में आएगा और दूसरा हम घिसने के काम में लेंगे, यानी कि मिरर करने के लिए। तो सबसे पहले हम रफली ड्रॉ करेंगे। अभी आपको दिखाई नहीं देगा, मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। तो ये मैंने जूम कर लिया है और जो हमने आइडिया के लिए रफली ड्रॉ किया था उसको इरेज कर लेंगे। इसके बाद हम इस फ्लावर को और बढ़ाएंगे और थोड़ा सा आइडिया के लिए रफली ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखना किस तरीके से हम इसे एक आइडिया लेते हैं। फ्लावर काफ़ी टाइप्स के होते हैं, मैंने एक फ्लावर को चूज़ किया है। इसकी जगह हम दूसरा भी फ्लावर ले सकते थे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कुछ फ्लावर्स और लीफ के लिए, पत्तियों के लिए, तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। जितना हो सकता है मैं कुछ कवर करूँगा। और इस फ्लोरल जाल के लिए जो भी टिप्स होंगी मैं आपको देता रहूँगा। फिर भी अगर आपकी समझ में ना आए तो मैं इस पे आइडिया के लिए और दो चार वीडियो बनाऊंगा। तो अब इसके सेंटर में हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम शेडिंग वगैरह देंगे एम्ब्रॉयडरी में। मैंने जो फ्लावर्स की पत्तियां ली हैं आप देख रहे होंगे ये एक ही तरह की हैं सारी। जाल बनाने के लिए, फ्लोरल जाल बनाने के लिए हमें एक फूल की ज़रूरत है और हमारा फूल रेडी है। अब फूल के बाद हम इसको बूटे में कन्वर्ट करेंगे। तो बूटा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी कुछ घुमेर डंडियाँ और कुछ पत्ते लीफ वगैरह। तो चलिए हम घुमेर बना लेते हैं। इसी से निकलती हुई इस घुमेर को हम पूरा कर देंगे। ये सिर्फ आइडिया के लिए हम घुमेर की जगह पे यहाँ पत्तियाँ बनाएंगे। तो आप ध्यान देना बूटा बनाने के लिए किस तरीके से, किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को
डायरेक्ट बनाने से अच्छा है एक रफली बना लें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारी कितनी जगह कवर होगी। इसके बाद मैं छोटे फूल वगैरह डालूँगा यहाँ पर और कुछ पत्तियाँ, उसके लिए मैं मार्क कर लूँगा। इसी घुमेर को हम ऊपर की तरफ भी लेके जाएंगे। हर तरह से, हर एंगल से इसको हम भर लेंगे, सजा लेंगे इसको। ऊपर की साइड में हम एक बूटा देंगे, ये जगह मैंने कवर कर ली है बूटे के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जब भी हम बनाएंगे तो रफली को थोड़ा थोड़ा करके ही मिटाना है, इरेज करना है। एकदम से करेंगे तो हमें आइडिया नहीं रहेगा हमें कहाँ पर क्या बनाना है। जो मैंने फ्लावर में पत्तियाँ ली थी उसी टाइप्स की पत्तियों से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अब जो इसके बैक साइड में हमने रफ निशान लगाया था उसको इरेज कर लेंगे। क्योंकि अब हम इसे सिर्फ डबल करना है तो हमें आइडिया हो गया है, हमारे घुमेर का जो निशान था वो दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ऊपर वाले घुमेर के अंदर तीन पत्तियां डालेंगे हम इसी टाइप्स की। आप शुरू में बनाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बिगिनर को, पर प्रैक्टिस करते करते आप इससे भी सुंदर बनाएंगे। इस पत्ती को हम इस घुमेर के ओवरलैप कर लेंगे, अंदर से लेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो मैंने इसलिए वहाँ से मिटा दिया है इसको। थोड़े से और रफली निशान लगा लिए मैंने जिधर जिधर मुझे पत्तियाँ लेनी हैं। ये घुमेर हमारी इधर से भी आएगी।
मुझे भी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा शेडो पड़ रहा है। बल्ब को मैंने अपने बैक साइड में लगा लिया इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई नहीं। अब इनके अंदर भी शेड डालने के लिए ड्रॉ कर लेंगे। जो लीफ के अंदर नसें होती हैं उन्हें बना रहा हूँ मैं। अब ये ऊपर वाली घुमेर को पूरा करेंगे। यहाँ से हम बिल्कुल एकदम फ्लो में बनाएंगे। यहाँ से बिल्कुल ऐसा लगे कि इसी के अंदर से निकल के आ रही है, ऐसा ना लगे कि अलग से बना दी कोई। खूबसूरती से बनाएंगे। अब बीच में से हम यहाँ से इसको थोड़ा कट करके कुछ फूल वगैरह डालेंगे जिससे कि सुंदर लगे। यहाँ पर एक फूल बनाएंगे छोटा सा। मैं यहाँ पर छोटे छोटे फूल और पत्तियाँ ऐड कर रहा हूँ। मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ उसको आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जब समझ में ना आए बार बार वीडियो को देखना है। आगे चल के मैं कुछ वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स वगैरह दूंगा जिससे कि आप आसानी से सीख जाएं। पहले आप फूल और पत्तियां बनाना, उनको सजाना सीख लें। इसके बाद हम ये जो जाल वगैरह बनाएंगे, फिर इनकी प्लेसमेंट सीखेंगे, इनकी प्लेसमेंट कैसे करते हैं, सूट में, साड़ी में, ड्रेसेस में, और भी बहुत सारी चीज़, जो भी हम गारमेंट्स वगैरह बनाने जा रहे हैं या स्टॉल शॉल वगैरह,
उसमें प्लेसमेंट कैसे करते हैं ये हम आने वाली कुछ वीडियो में सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हर चीज़ को। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया आपको तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, मैं उस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प हो रही है, समझ में आ रही है, ना आ रही है, जो भी है ज़रूर बताएं ताकि वीडियो में कुछ सुधार करा जाए। थोड़ा सा आगे को बढ़ा लेते हैं क्योंकि रिपीट करने में काम आएगा ये। इससे पहले जो मैंने ऑल ओवर जाल की वीडियो बनाई थी उसमें तो रिपीट करना आपको बता दिया था, वो सारा घिसने का था, पर ये हमारा बूटा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखो अब हमें इसको रिपीट करना है तो सबसे पहले हम इसे घिस लेंगे और एक इसकी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए घिसना ही ज़रूरी नहीं होता, आपके पास अगर फ़ोटो कॉपी की मशीन है उससे फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। तो स्टेपलर कर लेते हैं इसको ताकि ये हिले ना, और एक कपड़ा बिछा के इसको घिस लेंगे। इसको घिसने के बाद ये हमारा घिस गया है, अब हमें इसे किस तरीके से आगे बढ़ाना है मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया एरो बनाकर, तो इसे ध्यान से देखें। ये जो घुमेर हैं दोनों एक ही जगह पे हैं और जब आप बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लें ताकि बूटा इधर उधर ना हो, डिसबैलेंस ना हो, रिपीट करने में आसानी हो जाए। तो चलिए इसे बिठा लेते हैं, अगर समझ में ना आए तो आप रिपीट करके बैक करके तब उसको अच्छे से समझ लेना। वीडियो तो अपनी है, जितनी मर्जी बैक करके देखो, रिपीट करके देखो कौन से पैसे लग रहे हैं इसके। तो मैंने इसको बिठा लिया है देखो, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, मैंने लाइन नहीं खींची पर आपको समझा दिया है मेरी, क्योंकि लाइन है ड्रो, मैंने फोल्ड कर लिया था पहले ही, वो दिखाई नहीं देगी आपको। तो ये देखो इसके जो गैपिंग है ये बिल्कुल एक एक बूटा जहाँ पर एक बिल्कुल उसके अपोजिट में है, बिल्कुल से सामने है। एक पेपर रख लेंगे जिससे कि पेपर गंदा ना हो हमारा हाथ लगने से, और फिर हम ड्रॉ करेंगे इसको। तो अब ड्रॉ ही करना है तो सिर्फ जल्दी जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे बस, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
मैं फटाफट इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम इसको रिपीट करना सीखेंगे। रिपीट करने के लिए जो हमने पहले वीडियो बनाई हैं उनको भी ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। शुरू से आप सारी वीडियो को देखें तब समझ में आएगा मैं किस तरीके से फोल्ड करता हूं और कैसे निशान लगाता हूं वहां पर। उसके बाद ये भी मैंने उसी तरीके से इसको फोल्ड कर लिया था पेपर को, क्योंकि अगर मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी इरिटेट हो जाओगे। तो ये हमारे दोनों बूटे बनके तैयार हैं। अब हमें इन्हें जाल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी एक कॉपी कर लेंगे इन दोनों की। तो चलो पेपर रख के मैं इसे घिस लेता हूँ। ये जो हमारा घिसा हुआ जो मैंने सेंटर में पहले फोल्ड किया था उसको मैं एक बार डार्क करूँगा। मैंने फूल बनाने से पहले ही इसको फोल्ड कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, मैं हर किसी भी चीज़ को बनाने से पहले पेपर को फोल्ड कर लेता हूँ ताकि इससे एक स्ट्रेट का निशान रहे। अगर मैं पेंसिल से खींचूंगा तो वो बार बार दिखाई देगा और कन्फ्यूज़न होगी इससे, इसलिए मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ पेपर को। तो मैंने इन दोनों ही नीचे वाले पेपर पे भी और ऊपर वाले पेपर पे भी इसको लाइन को घिस लिया है। तो अब स्केल से मैं डार्क कर लूँगा इसको। ये लाइन हमारा रिपीट करने के बहुत काम आएगी। इसी लाइन के ऊपर रखना है उसको, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो पूरा जाल ख़राब हो जाएगा, रिपीट नहीं हो पाएगा वो।
तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन, मैंने थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, उस लाइन के ऊपर ही बिठाना है इसको। तो मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, आप देखो नीचे और ऊपर दोनों तरफ लाइन है उसकी, इन दोनों के ओवरलैप कर लिया इसको। इसके बाद मैंने यहाँ पर टेप लगा के और इसको मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, इसको ड्रॉ नहीं करता क्योंकि रात के 12 भी बज चुके हैं और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको घिसी लूँगा बस, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आपको समझाना है। तो ये मैंने घिस लिया है इसको, घिसने के बाद इसे बिठाना कैसे है वो मैंने हर एंगल से आपको इसमें समझा दिया है। तो इसे जो हमने घिसा था उसके नीचे वाला जो बूटा है उसी के ऊपर बिठाना है, और जिधर से चाहो उस एंगल से हम इसे बढ़ा सकते हैं, हर साइड में लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी तरफ से इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखो गाइस, इतना तो जाल हमने घिस के ही बना लिया है। अब ये बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पे रखोगे और ड्रॉ करना है सरफेस को। नेक्स्ट अगर हमें इसे इस साइड से बढ़ाना है तो इधर बुट्टे के ऊपर रख लेंगे और ये बढ़ जाएगा। हर एंगल से ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा क्योंकि मैंने एक लाइन खींच ली थी, अगर मैं वो लाइन नहीं खींचता तो ये बिल्कुल रिपीट नहीं होता और ये ख़राब हो जाता। आप और भी वीडियो में सीखेंगे इस चीज़ को, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।